यदि आप भी SBI के कस्टमर हैं और आपका SBI का योनो जब लॉगिन करने जा रहे हैं तो लॉगिन प्रॉब्लम इस तरह का एरर शो हो रहा है। इस तरह का एरर शो हो रहा है कि आप SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल वहाँ पे लॉगिन करके अपने पासवर्ड को चेंज करें, इस तरह का एरर आ रहा है जब भी आप लॉगिन कर रहे हैं, चाहे एम पिन से या यूजर आईडी से। तो इसका क्या उपाय है, कैसे इसे सही कर प्रॉब्लम से कैसे मुक्ति पाए और कैसे लॉगिन कर पाए आसानी से, चलिए आपको वीडियो में डिटेल में बता रहे हैं। इसको सही करने के लिए सबसे पहले आ जाएंगे आप गूगल पे और यहाँ पे लिखेंगे SBI ऑनलाइन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग में आपको लॉगिन करना है, सबसे पहले आपको पासवर्ड यहाँ चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करते ही आपका योनो का जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा। फॉरगेट पासवर्ड पे यहाँ पे आ जाएंगे और फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करना है, आपको ऑप्शन चूज करना है। फिर नेक्स्ट करना है यूजर आईडी, अकाउंट नंबर, सारे डिटेल्स भर देने हैं, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा भर करके आपको सबमिट कर देना है। सारी डिटेल्स भर लेते हैं, चलिए सबमिट करते हैं। जैसे ही करेंगे OTP जाएगा, OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे डाल करके आप इस पे क्लिक करेंगे कन्फर्म पे। तो देखिए OTP डालने के बाद आप कन्फर्म जैसे ही करेंगे आपको कुछ ऑप्शन आ जाएंगे कि कैसे आप अपडेट पासवर्ड करना चाहते हैं। तो ATM कार्ड डिटेल से या प्रोफाइल पासवर्ड याद है या ब्रांच जाके करना चाहते हैं, तो हम ब्रांच जाके नहीं करना चाहते, हमें प्रोफाइल पासवर्ड याद है वो हम डाल देते हैं। तो चलिए डालते हैं प्रोफाइल पासवर्ड और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो फिलहाल लग रहा है पासवर्ड भूल रहा है, चलिए दूसरा डालते हैं, हो सकता है दूसरा पासवर्ड हो, मैंने डालो। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट हो गया, यानी पासवर्ड वो सही था। आपको एक नया पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसे बनाएं सभी इंस्ट्रक्शन नीचे है दिया हुआ है, पढ़ भी सकते हैं। बाकी इसको आपको सबमिट कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड जो है चेंज हो गया। अब चलिए चलते हैं योनो में, दिखाते हैं आपको कि प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं। तो एम पिन जो पुराना था उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं, या नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन यूजर नेम है वही डाल करके भी आप लॉगिन करेंगे। तो चलिए डालते हैं एम पिन और देखते हैं कि प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं। तो जैसे ही आप एम पिन डालेंगे अपना, चलिए एम पिन डाल लेते हैं। एम पिन डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो गया, ठीक है। चलिए देख सकते हैं प्रॉब्लम दूर हो गई। तो बस आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करके आप बस लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे योनो में। क्योंकि 3 महीना से ज़्यादा अगर हो जाता है तो SBI क्या करता है, पासवर्ड को ब्लॉक कर देता है, फिर से आपको नया पासवर्ड बनाना पड़ता है। फिलहाल कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।